व्यूअर, आज हम वीडियो के सेगमेंट में हम स्किन और उसके रिसेप्टर एंड पेन कैसे जनरेट होता है और पेन सेंसेशन कैसे ब्रेन में कंट्रोल होता है उसके बारे में। स्किन जो है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है और पूरे बॉडी को कवर करके रखा हुआ है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है इंजरी से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये जो है वो क्या बोलते हैं, पेन डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, टॉर्च डिटेक्ट करता है। तो सिंपली ये एक ऐसी ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी इसे बोला जाता है क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी ये फैला हुआ है। और ये इसका जो मेन रोल है वो क्या करता है कि ये जो है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने में मदद करता है। तो ये जो स्किन है उसमें उसका जो स्किन जो है वो खास करके दो लेयर उसमें पाए जाते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एंड उसके नीचे एक फैटी लेयर पाए जाते हैं जिसे हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं और सबक्यूटानियस टिश्यू भी बोलते हैं। और इसके नीचे पाए जाते हैं मसल सेल। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस जो है वो हमारा बाहरी स्किन है और सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन है। और ये जो है इसमें स्ट्राटिफाइड केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम पाए से बना हुआ है। ये एक टाइप का एपिथेलियम है, एपिथेलियम टिश्यू है। और ये इसका जो थिकनेस है वो पार्ट टू पार्ट बॉडी से बॉडी के पार्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो पाम एंड हैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सोल ऑफ द फीट में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स पाए नहीं जाते हैं। एंड इसमें नर्व एंडिंग रहता है जो कि सेंसेशन को, जैसे कि हम किसी ने टॉच कर दिया तो वो सेंसेशन जनरेट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो देर आर सेवरल लेयर, यहाँ पे कुछ लेयर पाए जाते हैं एपिडर्मिस का, जैसे कि पहला लेयर जो है वो स्ट्राटम कॉर्नियम, दूसरा लेयर जो है वो स्ट्राटम लूसिडम, तीसरा लेयर जो है वो स्ट्राटम ग्रानुलोजम। ये स्ट्राटम ग्रानुलोजम में मेलानोसाइट भी पाए जाते हैं जो कि पिगमेंटेड सेल है, हमारे स्किन को कलर देता है। एंड लास्ट वन ही जर्मिनेटिंग लेयर। यहाँ तो ऐसे चार तरीके का लेयर ये जो है एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और ये जर्मिनेट लेयर से नीचे रहता है डर्मिस। तो डर्मिस डिस्कस कर लेते हैं। और डर्मिस जो है वो टफ एंड इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। एपिडर्मिस क्या होता था, केराटिनाइज एपिथेलियम से बना हुआ होता है या ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। एंड इसका जो मैट्रिक्स मीन क्या होता है, जो टिश्यू का जो अंदर का जो कॉन्टेंट रहता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसके मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर रहता है, एंड कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर रहता है। ये कोलाजन फाइबर क्या करता है, स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटीन भी ये प्रोवाइड करता है। एंड रॉप्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर जो है वो रॉप्चर हो जाता है, जैसे कि स्किन का ओवर स्ट्रेच हो जाए और कुछ उसके ऊपर प्रेशर आ जाए, और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मोटापा के दौरान ये जो है मतलब इलास्टिक फाइबर रॉप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड उसकी वजह से बहुत सारे जो है वो स्ट्रेच मार्क भी दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी के बाद एंड मोटे लोगों में। और ये कोलाजन फाइबर जो है वो वाटर को बाइंड कर सकता है, एंड इसकी वजह से वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है ये। लेकिन ये क्या करता है, एज के साथ ये डिक्रीज होने लगता है कि कोलाजन का जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो स्किन को, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है एज के हिसाब से। इसकी वजह से रिंकल जो है मीन्स स्किन में जो नॉर्मलनेस है वो धीरे धीरे एज के साथ वो डेवलप होने लगता है। और इसके साथ फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल, ये तीन जो है वो डर्मिस का वो मैन सेल है। एंड उसके उसका डीपर लेयर में, डर्मिस का डीपर पार्ट में एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। और ये जो है इसमें एडिपोज टिश्यू भी पाए जाते हैं, डीपर पार्ट में एरियोलर टिश्यू एज वेल एज एडिपोज टिश्यू ये दोनों पाए जाते हैं। और ये डर्मिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड वेसल्स रहता है, लिम्फ वेसल्स रहता है और नर्व एंडिंग रहता है जो कि सेंसेशन को डिटेक्ट करता है, स्वेट ग्लैंड रहता है एंड हेयर रहता है, एरेक्टर पिली रहता है एंड सेबासियस ग्लैंड मीन ऑयल ग्लैंड जो कि ऑयली और मॉइस्चराइज करता है स्किन को। और एरेक्टर पिली मैं दिखा देता हूँ, ये है एरेक्टर पिली, ये मसल्स एरेक्टर पिली। इसका काम क्या होता है,
ये जब सिकुड़ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ऊपर का वाले जो हेयर जो पाए जाते हैं स्किन में वो इरेक्ट हो जाता है, मीन्स जैसे कि बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गया। तो ये एरेक्टर पीली मसल्स जो है एरेक्टर पीली, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये हेयर जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं और इरेक्ट हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू सोम स्किन रिसेप्टर। क्या क्या रिसेप्टर पाए जाते हैं स्किन में देखते हैं। पहला जो है वो टॉच रिसेप्टर है, जैसे कि बिना कोई प्रेशर का हल्का टॉच में कैसे ये एक्टिवेट होता है यहाँ पे देखते हैं। ये जो है मेजनर कार्पस्कल के अंदर एनक्लोज हुआ होता है। मेजनर कार्पस्कल में बस दिखा देता हूँ, ये जो है मेजनर कार्पस्कल कहाँ गया, हाँ ये आता है मेजनर कार्पस्कल। ये इसमें टॉच रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है, और ये जो है लाइट टॉच भी एक्टिवेट होता है, और ये ज़्यादातर पाम में, सोल में, लिप्स में, आईलिड में और एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट में और निपल में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और दिस एरिया ऑफ योर बॉडी आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव, और जो जो पार्ट सेंसिटिव रहता है उस एरिया में ये टॉच रिसेप्टर जो पाए जाते हैं, और टॉच रिसेप्टर को एनक्लोज करके रखता है कौन, मेजनर कार्पस्कल। और एक पार्ट में भी पाए जाते हैं जैसे कि मार्कल डिस्क, ये मार्कल डिस्क में दिखा देता हूँ। मार्कल डिस्क ये हो गया मार्कल डिस्क, इसमें भी ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये जो है पाए जाते हैं एट द जंक्शन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, और रूट हेयर प्लेक्सस भी पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल। यहाँ पे देख सकते हो ये रूट हेयर प्लेक्सस। तो सिंपली समझा जाए तो टॉच रिसेप्टर जो है वो मेजनर कार्पस्कल एंड मार्कल डिस्क में दोनों पार्ट कवर करके रखता है, और ये हमारे बॉडी का जो सेंसिटिव पार्ट है उसमें ही पाए जाते हैं, जैसे कि पाम में, सोल में, लिप में, आईलिड में, एक्स्ट्रा जेनिटल ऑफ फीमेल में एंड नीपल में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉच रिसेप्टर जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करता है, जैसे कि ये टच रिसेप्टर, फाइन टच रिसेप्टर जो है वो मेजनर कार्पस्कल एंड मार्कल डिस्क में एनक्लोज हुआ था। यहाँ पे जो प्रेशर रिसेप्टर है ये पेसिनियन कार्पस्कल में एनक्लोज हुआ है, पेसिनियन, ये यहाँ पे देख सकते हो पेसिनियन। और इसका जो शेप है वो ओनियन शेप का रहता है, एंड ये एवरी एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्किन में ये ज़्यादातर 14 प्रेशर रिसेप्टर पाए जाते हैं। और रूफिनिस एंडिंग एंड क्राउज एंड वॉल्व ये दोनों में भी ये टॉच प्रेशर रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट, इसमें भी पाए जाते हैं। और ये क्या करता है जब मतलब जोरों के साथ, प्रेशर के साथ स्किन में कुछ सेंसेशन आए तो ये डिटेक्ट होके वो सेंसेशन को ये डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टेम्परेचर, और ये जो है ये स्किन रिसेप्टर जो है वो ठंडा या गर्म दोनों को ये सेंसेशन को डिटेक्ट करता है। और ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्किन में 6 रिसेप्टर फॉर कोल्ड पाए जाते हैं एंड 1 रिसेप्टर फॉर हॉट और वार्म पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं कोल्ड रिसेप्टर का काम क्या होता है। कोल्ड रिसेप्टर जो है वो कोल्ड सेंसेशन को डिटेक्ट करता है जब हमारा स्किन का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट रहता है जब स्किन का टेम्परेचर जो है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। लेकिन ये इसका जो स्टिमुलेशन है वो बंद हो जाता है जब स्किन का जो टेम्परेचर है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम पैरों को और हाथ को अगर ठंडे पानी, आइस वाले पानी में रख दिए तो तुम लोग देख सकते हो कि नम हो जाता है उस एरिया, ठंड मतलब उस एरिया में सुन्न हो जाता है, कुछ भी सेंसेशन हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो वैसे ही हॉट रिसेप्टर जो है वो हॉट सेंसेशन डिटेक्ट करता है जब स्किन का टेम्परेचर जो है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होके रहता है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। लेकिन 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये पेन रिसेप्टर जो है वो स्किन को डैमेज होने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 113 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो ये स्किन की डैमेज को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज दिस थर्म ये टेम्परेचर रिसेप्टर को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर भी बोला जाता है, और ये ऑल ओवर द बॉडी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोल्ड रिसेप्टर जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू हीट रिसेप्टर।
और ज़्यादातर जो एनवायरनमेंट रहता है वो कोल्ड रहता है एज कम्पेयर टू कोल्ड रहता है हमारे बॉडी के लिए। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ थर्मो रिसेप्टर जो है वो हमारे मतलब चेहरे पे, कानों में, नाकों पे, ये जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जो है हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है फिर चेहरे पे, नाक पे और ईयर पे एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट इन इन केस ऑफ विंटर सीजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रोपियो रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो है हम स्ट्रिच रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, जो कि जॉइंट्स जो है और मसल्स जो है, लिगामेंट जो है, अगर स्ट्रेच हो जाता है तो ये एक्टिवेट होता है और प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है, और मसल टोन ये प्रोवाइड करता है। और मॉडिफाइड मसल्स फाइबर जो है जिसमें नर्व एंडिंग पाए जाते हैं, एक रैप, रैप मीन्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो, ये जो है रैप, रैप्ड अराउंड मीन्स एक गुच्छे की तरह कवर करके रखा है नर्व एंडिंग को, जिसे बोलते हैं मसल्स स्पिंडल। ये मसल्स स्पिंडल में पाए जाते हैं। और स्केलेटल मसल फाइबर तो यहाँ पे देख सकते हो, ये नर्व एंडिंग हो गया, ये नर्व फाइबर हो गया जो कि सेंसेशन को ब्रेन तक पहुँचाता है। तो ये प्रोपियो रिसेप्टर जो है सिंपली ये जब स्किन स्ट्रेच होता है तो ये प्रेशर को हैंडल करता है और प्रेशर को डिटेक्ट करता है, और ये मसल स्टोन भी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाउ स्किन इज एडजस्टेड टू पेन, और हाउ द स्किन इज प्रोड्यूस पेन सेंसेशन। तो ये पेन जो है वो लैटिन वर्ड पोइना से आया है, एंड पोइना का मतलब होता है पनिशमेंट, पेनल्टी एंड हार्डशिप सफरिंग। एंड दूसरा जो है वो ग्रीक वर्ड से आता है पोइनी, पोइनी का मतलब होता है पनिशमेंट, पोइना का मतलब पोइना होता है लैटिन वर्ड से, पोइनी होता है ग्रीक वर्ड से, और इंडिया में होता है इंडियन वर्ड में पेन, पोइनी, पोइना एंड लस्टोनीस अकॉर्डिंग टू इंडिया इज पेन। और ये पेन जो है वो एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है जो कि एसोसिएट होता है पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से। तो ये पेन कैसे जनरेट होता है हम देखते हैं, और पेन सेंसेशन कैसे हमें फील होता है। पेन ट्रांसमिशन जो है वो इट इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन इज टू फॉलो नोसीसेप्टिव सिग्नल। नोसीसेप्टिव मीन्स यहाँ पे समझ सकते हो, नोसीसेप्शन मीन्स सिंपली पेन सेंसेशन, नोसी रिसेप्टर मीन्स जो रिसेप्टर पेन को डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे नोसी आ गया मीन्स इसका मतलब हो जाता है पेन। तो ये पेन जो है वो चार मेथड में ये ब्रेन तक पहुंचता है। पहले तो है ट्रांसडक्शन, दूसरा जो है ट्रांसमिशन, तीसरा जो है परसेप्शन, और चौथा जो है मॉड्यूलेशन। यहाँ पे किसी किसी बुक में थर्ड मॉड्यूलेशन दिया जाता है, और फोर्थ जो है वो परसेप्शन दिया जाता है। और फॉर अंडरस्टैंडिंग, और जो पहली ये सेंसेशन जो है बेसिकली दो तरीके का रहता है, एक है पेरिफेरल ट्रांसमिशन एंड दूसरा जो है वो सेंट्रल ट्रांसमिशन। यहाँ पे देख सकते हो पहले जो है ये स्टिमुली जनरेट होगा, एक नर्व के थ्रू पास होगा, ट्रांसमिशन होगा ब्रेन को, ब्रेन में ये मेडुला ओब्लोंगाटा वाले पार्ट में मॉड्यूलेशन होगा, मीन्स प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश करेगा, उसके बाद ब्रेन में जाएगा, थैलेमस में जाएगा और ये पेन सेंसेशन जनरेट करेगा। तो पहले देखते हैं पेरिफेरल ट्रांसमिशन क्या होता है। ये जो है वो जो पहला पार्ट होता है पेन का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो पेन सेंसेशन है वो जनरेट करता है और उसे बोलते हैं, और इसमें ट्रांसडक्शन और ट्रांसमिशन दोनों पार्ट ये पेरिफेरल ट्रांसमिशन का पार्ट है। एंड दूसरा जो है सेंट्रल ट्रांसमिशन, ये जो पेन डिटेक्ट होता है पेरिफेरल ट्रांसमिशन में, ये ब्रेन तक तो पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है पहले, उसके बाद ब्रेन में पहुंचता है, ये होता है सेंट्रल ट्रांसमिशन। पेरिफेरल ट्रांसमिशन में जो किस तरीके से जो है वो पेन सिग्नल जनरेट होता है और पेन नर्व के थ्रू कैसे जाता है वो होता है पेरिफेरल ट्रांसमिशन। एंड सेंट्रल ट्रांसमिशन जो है वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है और पेन सेंसेशन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे पहुंचता है वो होता है सेंट्रल ट्रांसमिशन। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पेन का, जो पहला मेथड है वो है ट्रांसडक्शन। ये पहला स्टेप है, जैसे कि नोसी रिसेप्टर का ये स्टिमुलेशन होने की वजह से ये जो पेन सेंसेशन है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डिटेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पेन सेंसेशन जो है वो तीन तरीके का रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। पेन ये जो है पेन रिसेप्टर है, स्किन रिसेप्टर नहीं है, पेन रिसेप्टर, और इसे बोलते हैं नोसी रिसेप्टर, और पेन सेंसेशन को बोलते हैं नोसी सेप्शन।
तो पहला रिसेप्टर जो है वो मैकानो रिसेप्टर है, जैसे कि सेंस ऑफ पिंच एंड पिन प्रिक, अगर कोई नीडल चुभ गया तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। और साइलेंट नोसी रिसेप्टर जो है वो इन्फ्लामेशन के दौरान एक्टिवेट होता है। और पॉलीमोडल मैकानो थर्मल रिसेप्टर जो है वो ये जो है वो ज़्यादा एक्सेस प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब वो ये और एलर्जन को, ये सब को ये डिटेक्ट करता है। तो पहले हो गया ट्रांसडक्शन में, ये अगर किसी सुई फुई चुभ गया तो ये पेन सेंसेशन जो है और इलेक्ट्रॉन सिग्नल जो है वो जनरेट होना, वो होता है ट्रांसडक्शन प्रोसेस। दूसरा जो है वो ट्रांसमिशन प्रोसेस, ट्रांसडक्शन में पेन जनरेट होने के बाद ये किस एक नर्व के थ्रू और एक फाइबर के थ्रू और एक पाइप के थ्रू ये जाएगा ब्रेन की ओर, तो इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। किसकी मदद से ये ब्रेन तक पहुँचेगा, वो हो गया। ये तो हो गया में जाएगा, उसके बाद ही तो डिटेक्ट होगा ना कि पेन का जो सेंसेशन। तो दूसरा स्टेप है जो वो है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये दो तरीके का फाइबर जो है वो डिटेक्ट करता है और दो तरीके का फाइबर में पेन जो है वो पहुंचता है ब्रेन की ओर। और ये पेन जो है वो ज्यादातर फास्ट पेन एंड दूसरा जो है वो स्लो पेन रहता है। फास्ट पेन को पहुंचाता है ब्रेन तक ये हो है ए डेल्टा फाइबर, एंड स्लो पेन को जो पहुंचाता है वो है सी फाइबर। और ये उसके बाद ये फर्स्ट पेन एंड स्लो पेन जो है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा एंड दूसरे उसके बाद ब्रेन को जाके ये सेंसेशन पेन जो है पेन सेंसेशन जो है वो डिटेक्ट करेगा। तो पहले देखते हैं फाइबर का टाइप। ये दो तीन तरीके का फाइबर रहता है जो कि पेन सेंसेशन को वो पहुँचाते हैं ब्रेन की ओर। ए बीटा फाइबर जो है वो लार्ज डायमीटर का है और ये प्रोटेक्टेड है, कवर अप है और ये नॉर्मली एक्टिवेट हो रहा है नॉन नॉक्जियस मैकेनिकल स्टिमुली में, जैसे कि नॉन नॉक्जियस मीन्स हार्मफुल, जैसे कि नीडल प्रिक होता है उसे बोलते हैं नॉक्जियस, और नॉन नॉक्जियस मीन्स किसी ने तुम्हें छू लिया मीन्स ये लेस हार्मफुल है, जैसे कि सिंपली टॉच में एक्टिवेट होता है ये ए बीटा फाइबर। वैसे ही ए डेल्टा फाइबर जो है वो मीडियम डायमीटर का होता है, मीन्स कम डायमीटर का होता है एज कम्पेयर टू ए बीटा फाइबर। और ये भी है प्रोटेक्टेड है, माइलिनेटेड है एंड ये जो है एक्टिवेट होता है नॉक्जियस स्टिमुली में, मीन्स कैसी नीडल प्रिक में। वैसे ही सी फाइबर जो है ये स्मॉल डायमीटर का है और ये अनमाइलेटेड है, मीन्स यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है और ये जो है उसका जो पेन सेंसेशन कंडक्शन है वो स्लो रहता है। और ये भी एक्टिवेट होता है ज़्यादातर नॉक्जियस स्टिमुली में, जैसे कि सेकेंडरी पेन में, बर्निंग में और एक्टिंग में, जैसे कि सर दर्द हो गया, मसल दर्द हो गया, इसमें ये पेन सेंसेशन को ये ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है और वो फाइबर है सी फाइबर। उसके बाद फर्स्ट पेन एंड स्लो पेन क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट पेन किसे बोलते हैं, जो पेन 0.1 सेकंड के अंदर जो है वो स्टिमुलेशन जनरेट करता है वो होता है फर्स्ट पेन, और इसे हम शार्प पेन भी बोलते हैं। और फर्स्ट पेन जो है वो ज़्यादातर डीपर टिश्यू ऑफ द बॉडी में फील नहीं हो पाता। एंड दूसरा जो है वो स्लो पेन है, ये विद इन एक सेकेंड और उसके बाद ये पेन सेंसेशन जनरेट होता है और इसका जो है स्लो बर्निंग सेंसेशन, दर्द होने लगता है, थ्रोबिंग मीन्स नीडल चुभने जैसा फील होगा, देन नॉजियस मीन्स उल्टी कराएगा और धीरे धीरे पेन जो है वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फट से नहीं बढ़ता ये। और ये जो है क्या करता है, ये धीरे धीरे टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी करा सकता है। तो फर्स्ट पेन स्लो पेन हो गया ये। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप ऑफ पेन, फिजियोलॉजी ऑफ पेन इज दैट इज मॉडुलेशन। तो यहाँ पे ट्रांसडक्शन में नॉक्जियस स्टिमुलेशन के दौरान सिग्नल जनरेट हो गया, ट्रांसमिशन में फाइबर के थ्रू वो पहुँचना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये मॉडुलेशन में क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचता है और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचने के बाद ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड भी तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये जो पेन का जो सेंसेशन है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे मॉडिफाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर जो फट से ब्रेन तक पहुंच गया तो ये ब्रेन को डैमेज करा सकता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। एंड लास्ट टिप जो है वो है परसेप्शन मीन फाइनली ब्रेन में ये पेन सेंसेशन पहुँचता है एंड उसके बाद जो है हमें पेन कितना दर्द, पेन का सिवियरिटी जो है हमें पता चलता है। इस पिक्चर पे देख सकते हो यहाँ पे पेन जनरेट हुआ, देन सेंसोरी न्यूरॉन मीन्स यहाँ पे जो फाइबर रहता है उसके थ्रू
ये पहुंचा मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचने के बाद ये हाइपोथालामस में पहुंचा जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, एंड उसके बाद जो है पेन का जो परसेप्शन है, मीन्स पेन का जो सेंसेशन है वो जनरेट हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज टॉपिक ऑफ पेन एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन एंड स्किन एंड स्किन रिसेप्टर। होप यू आंसर द टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू मी। हैव ए गुड डे। थैंक यू।